दुबई में टोल गेट को सालिक कहते हैं। ये क्यों मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आज एक लेटेस्ट न्यूज सुनाने वाला हूँ। आज मैं मेरा एक दोस्त को लेने के लिए दुबई एयरपोर्ट गया था, तो मुझे शारजा आना है, ठीक है ना, उसको लेके। तो मुझे जो टेस्की वाला है उसने मेरे को जो सहारा सेंटर मॉल है वहाँ पे मेरे को उतार दिया और मुझे बताया तुम वो दूसरा साइड से दूसरा टेस्की लेके चला जाओ तो आपको कम से कम 25 दिरहम बच जाएगा। क्योंकि जो लोग दुबई एयरपोर्ट से या दुबई से शारजा आते हैं उसमें टोल गेट रहता है, उसको अरबिक में दुबई में सालिक कहते हैं, तो उसमें 25 दिरहम टैक्स कटता है, ठीक है ना। तो वो जो टैक्स है वो बच जाता है। आप अगर सहारा सेंटर में उतार जाओगे सिर्फ रोड क्रॉस करना है, एक रोड से दूसरा रोड में जाना है, वहां से टैक्सी दूसरा टैक्सी पकड़ के शारजा आ जाना है, ठीक है ना। तो आपको उसमें 25 दिरहम बच जाएगा। तो आप में से अगर कोई मेरा दोस्त दुबई से शारजा आ रहे हो या शारजा से दुबई जा रहे हो या दुबई एयरपोर्ट से शारजा आना चाहते हो तो आप लोग सहारा सेंटर में जाइए पहले, वहां पे टेस्की को चेंज करके तो रोड के दूसरे पास से दूसरे साइड पे जाइए, जाके वहां से दूसरा टेस्की लेके फिर चला जाइए। कम से कम आपको 25 दिरहम बचेगा, इंडिया का 500 से ज्यादा आप लोगों का बचेगा, ठीक है ना। शायद बहुत भाई लोगों को ये चीज मालूम नहीं है, तो ये वीडियो आप लोग ज्यादा करके शेयर कीजिए तो दूसरे लोगों को भी पता चलेगा और उनका भी पैसा बच जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा।